योगी आदित्यनाथ सरकार अयोध्या के लिए लगभग 500 करोड़ रुपए की विकास परियोजना की शुरुआत करने की तैयारी कर रही है। इन परियोजनाओं की घोषणा 5 अगस्त को राम मंदिर के लिए भूमि पूजन के दिन की जाएगी। इस अवसर पर 326 करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी, जबकि 161 करोड़ रुपए के अन्य कार्य लोगों को समर्पित किए जाएंगे। जिन परियोजनाओं की आधारशिला रखी जानी है उनमें से 252 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत की वह परियोजना भी शामिल है, जिसमें अयोध्या से होकर आजमगढ़ और बहराइच के बीच 36.7 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग 30 की 4 लेन का विस्तार होना है। इस मौके पर सरकार अयोध्या में जल आपूर्ति परियोजना के तीसरे चरण को भी हरी झंडी दिखाएगी। इसकी कीमत 54 करोड़ रुपए से अधिक है और इसे शहरी विकास विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। इसके अलावा अयोध्या शोध संस्था के तहत 16.8 करोड़ रुपए से तुलसी स्मारक भवन के आधुनिकीकरण कार्य का शिलान्यास भी किया जाएगा। यह परियोजना सांस्कृतिक विभाग द्वारा चलाए जाने का प्रस्ताव है। पर्यटन विभाग 2.7 करोड़ रुपए की लागत से राम कथा पार्क के विस्तार कार्य को करेंगे। नया घाट के पास सरयू नदी के तट पर स्थित राम कथा पार्क वह स्थान है जहां रामायण मेला और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। वहीं जिन परियोजनाओं को लोगों को समर्पित किया जाना है उनमें राजश्री दशरथ राज्य मेडिकल डिग्री कॉलेज में 134 करोड़ रुपए की लागत से एक व्याख्यान कक्ष, एक प्रशासनिक भवन, एक पुस्तकालय और एक शैक्षणिक ब्लॉक और लड़कों लड़कियों के छात्रावास बनाना शामिल है।